दोस्तों आज हम बनाएंगे गेहूं आटा से केक, जो बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी केक बन के तैयार होती है। तो हम आज बहुत ही टेस्टी केक बनाएंगे, जो बिना मैदा से बनाएंगे। ये बनके लगभग हम इसको कढ़ाई में तैयार करेंगे। ये बनने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर प्रोसेस को देखिएगा, तभी वीडियो बनाने मतलब कि तभी आपको केक बनाने में आसानी होगी। देखिए कितना अच्छा, कितना स्पॉन्जी केक बन के तैयार होता है। ये लग ही नहीं रहा है ना बिल्कुल गेहूँ आटा का केक। तो हम केक बनाने के लिए विधि स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले ली हूँ तेल, उसमें लेंगे हम शक्कर। जितना हम तेल लेंगे उससे दो डबल हम लेंगे शक्कर। फिर हम उसमें एक मतलब कि जितना हम शक्कर लेंगे उतना ही हम दूध लेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, दूध को थोड़ा सा गर्म लेंगे ताकि शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए। लगभग इसको 2 से 5 मिनट के लिए कंटिन्यू मिक्स करेंगे, जिससे शक्कर जल्दी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि दूध गर्म है और तेल में थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगता है। इसीलिए दूध गर्म लेंगे, इसीलिए मतलब कि अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये क्रीमी टेक्सचर में आ गया है अच्छे से। अब हम लेंगे बड़े एक मतलब कि एक कप जितना हम शक्कर लिए उससे डबल लेंगे हम आटा। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से। देखिए अगर आपके पास मिक्सर नहीं है, इस तरह से मिक्स करने वाला नहीं है, तो हम इसको हम चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं या हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स करते हुए देखिए बहुत इजीली मिक्स होता है। इसे मिक्स करने के लिए आपको लगेगा लगभग 8 से 5 मिनट का समय लगेगा। कंटिन्यू मिक्स करेंगे। देखिए अभी हम सभी आटा को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए या गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे तभी केक अच्छे से फ्लफी और स्पॉन्जी बनके तैयार होगा। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। इसी तरह से मिक्स करेंगे, दिख रहा है ना एकदम क्रीमी फ्लफी। इस तरह से मिक्स करेंगे, देखिए 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 कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है। हाथ दर्द हो जाता है दोस्तों, इस तरह से मिक्स करते रुक रुक के हम मिक्स करेंगे। देखिए ये देख कितने अच्छे से हो रहा है ना। अब हम इसमें लेंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, जो भी बोलते हैं आप उसे बोलेंगे ज़्यादा। फिर इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे तो ज़्यादा मतलब कि प्रेशर लगा के मिक्स करेंगे तो ये मतलब कि ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा, ज़्यादा फूल जाएगा। जो मिक्स हो गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं 4 से 5 बूंद डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे केक कंटेनर। आपके पास केक कंटेनर नहीं है तो आप गहरे तले के बर्तन भी ले सकते हैं, स्टील या सिल्वर जो भी हो ले सकते हैं। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। फिर हम इसमें एक सर्कल शेप में पेपर को कट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से मिक्स मतलब कि बटर पेपर बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी डाल सकते हैं। इस तरह से लगा लेंगे ताकि ये बटर पेपर बन के तैयार हो जाए। साइड से भी लगा लेंगे केक कंटेनर। फिर हम इसमें बैटर को डाल देंगे, बीच में डालेंगे एकदम सेंटर में, तभी ये सभी तरफ अच्छे से फैलेगा। देखिए कितना अच्छे से गिर रहा है ना। इसका टेक्सचर देखिए, इसी टेक्सचर पर आपको बैटर को तैयार करना है। फिर थोड़े से इसको पटक देंगे ताकि बीच में बबल्स या कोई लम्स ना रहे। फिर हम इसमें थोड़े से डेकोरेट के लिए बादाम डाल रहे हैं। चाहे आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं, चाहे तो टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। आपको अगर प्लेन पसंद है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे खाते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा डिजाइन वाला बना के दो तो उनको ज़्यादा पसंद आता है। देखिए मैं किस तरह से डिजाइन बना रही हूँ, फ्लावर का शेप दे दे रही हूँ बादाम से ही। ये देखिए मैंने सेब बना दिया फ्लावर का। अब मैं ले ली हूँ कढ़ाई, जिस गैस ऑन कर ली हूँ, और मैं डाल दे रही हूँ नमक, जिसको मैं हमेशा बेक के लिए यूज़ करती हूँ। ठंडा होने के बाद इसको मैं रख देती हूँ। फिर इसमें हम डाल देंगे एक प्लेट, जो मेरा छेद वाला है, चाहे तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। फिर ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट तक फ्री हीट होने देंगे। फ्री हीट होने के बाद केक को डाल देंगे। केक के कंटेनर को डालने के बाद इसको ढक के मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट तक बेक होने देंगे। 30 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा अभी कच्चे है, अभी पूरा पका नहीं है और थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा। और 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। लगभग मुझे इसको बनाने में 40 मिनट का समय लगा है, मीडियम फ्लेम पे, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर चाकू की सहायता से इसको चेक कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल देंगे बाहर। ये
चाकू की सहायता से चेक करेंगे तो चाकू में बिल्कुल नहीं लगे, तभी गैस को बंद करें। फिर हम गैस को बंद इसको साइड में ले लेंगे। निकालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए 20 से 30 मिनट आधे घंटे के समय की लगेगा तकरीबन। फिर इसको हम चाकू की सहायता से साइड से कट कर लेंगे ठंडा होने के बाद। देखिए फिर हम एक प्लेट ले लेंगे, ऊपर से रखेंगे और इसको पलट देंगे और थोड़े से इसमें थपथपाएंगे। फिर इसको हल्के हाथों से निकाल लेंगे। देखिए इजीली निकल गया है। अब हम इसके पेपर को हटा लेंगे। देखिए इस तरह से इजीली पेपर निकल जा रहा है ना, और कितना प्यारा, मतलब कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। ज़्यादा जला भी नहीं है ना, ज़्यादा पका भी नहीं है, बहुत सुंदर केक बन के तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही स्पॉन्जी केक बन के तैयार हो गया। देखिए ये देखिए। फिर हम इसको कट कर लेंगे। देखिएगा इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, मेरे पास छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आप सब प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, इसी तरह से जिस तरह से आप प्यार सपोर्ट बनाए रखे हैं। देखिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही हेल्दी केक बन के तैयार हो गया। लग ही नहीं रहा है ना कि गेहूँ आटा से बन के केक तैयार हो गया। इसको बच्चे बड़े सभी बड़ी शौक से खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी बहुत शौक से खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं दोबारा से बोल रही हूँ।